वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रफर। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो लोग भी आईफोन यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उनका सबसे जो बड़े जो इशू है दैट इज बैटरी हेल्थ ड्रेनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो आईफोन 15 प्लस है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 से 8 महीने यूज हो चुके, पर देन ऑल्सो जो बैटरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो अभी भी 100% है एंड जो साइकिल काउंट है गाइस वो है 184। तो ठीक ठाक यहाँ पर साइकिल काउंट हुआ है, पर देन ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी हेल्थ जो है अभी भी 100% पर टिका हुआ है। पर मैं अगर दूसरे किसी यूजर्स का बताऊँ, जैसे कि ये जो बैटरी हेल्थ है ये यहाँ पर आईफोन 15 प्रो मैक्स यूजर का है, उनका आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 महीने के यूजेज में जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है जो हेल्थ है वो डाउनग्रेड होकर यहाँ पर 89% हो चुका है। सो बैटरी का ये जो हेल्थ का जो डिग्रेड होना, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट मेजर इशू है हर एक आईफोन यूजर्स का। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो टिप्स है गाइस, अगर आपके पास आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो एंड प्रो मैक्स है, उनके लिए एलिजिबल है, तो उन सभी डिवाइस में आपको जाना है सेटिंग्स में, देन आपको जाना है बैटरी के सेक्शन पे, देन चार्जिंग ऑप्शन में जाना है एंड बैटरी को सेट कर देना है एट 80%। इससे फायदा क्या होगा कि एप्पल भी कहता है कि 80% अगर आप चार्ज करोगे तो ओवर द टाइम क्या करता है कि एप्पल का जो ये जो बैटरी है वो आपका यूजेज पैटर्न को जान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, उससे बैटरी हेल्थ जो है 80% रखने से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट इसी के मिलता जुलता है, दैट इज बैटरी सेविंग ऑप्शन यानी बैटरी सेविंग मोड। बहुत लोग मैंने बहुत देखा है कि आईफोन जो भी यूज़ करता है उनको ये चीज़ लगता है कि अगर मैं बैटरी सेवर ऑप्शन को हमेशा दिन भर अगर मैं ऑन करके रखूँ, भले ही मेरे आईफोन में चार्ज 60% हो, भले मेरे आईफोन में चार्ज 80% हो या फिर भले ही मेरे आईफोन में चार्ज 15% हो, तो वो लोग क्या करते हैं दिन भर का जो ये बैटरी सेविंग जो मोड है ये ऑन करके रखता है सोचते हुए कि बैटरी सेव होगा। लेकिन इससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपको हमेशा। बैटरी ये जो सेवर ऑप्शन है ये जो है आपको तभी ऑन करना है जब आपका बैटरी जो परसेंटेज है अगर वो बिलो 20% हो जाता है, देन ओनली यू कैन यूज़ द बैटरी सेवर मोड, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। आपको बैटरी सेवर जो ये मोड है जो ऑप्शन है आपको इसको टच भी नहीं करना है। ये दो चीज़ गाइस बहुत कॉमन है लेकिन आप में से बहुत लोग यूज़ नहीं करते हो। एंड तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कोई भी जो बीटा अपडेट आते हैं अपने आईफोन में उसको कभी भी आपका अगर प्राइमरी आईफोन है, 2-3 अगर आईफोन है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी और एक ही आईफोन है तो कभी भी बीटा अपडेट को इंस्टॉल मत कीजिएगा। बीटा में बहुत सारे बग्स एंड इश्यूज रहते हैं, उसको अगर आप अपने आईफोन में यूज़ करोगे, इंस्टॉल करोगे तो ऑब्वियसली उसके वजह से भी यहाँ पर जो है बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वाज हैविंग ए बीटा अपडेट ऑफ iOS 10.5 बीटा 3, तो इस टाइप का जो बीटा अपडेट आते हैं होपफुली इसको अगर आप यहाँ पर अपने आईफोन में इंस्टॉल नहीं करोगे तो बैटरी जो यहाँ पर ड्रेनिंग जो इशू है हेल्थ का वो शायद यहाँ पर सॉल्व हो जाए। एंड यहाँ पर चौथा जो गाइस यहाँ पर टिप्स रहेगा, दैट इज रिलेटेड विद केबल एंड चार्जर। Try to use the official charger and cable provided by the Apple itself. दूसरे कोई कंपनी का चार्जर जो है यूज़ मत कीजिएगा एंड केबल जो है हमेशा आप ट्राई कीजिए कि एप्पल का ही ऑरिजिन यूज़ करें। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो चार्जर है जो 20 वाट का जो चार्जर आता है 1500 या फिर 1700 के आसपास उसको खरीद लीजिएगा। उससे क्या होगा क्योंकि एप्पल का है तो वो आपको ठीक ठाक चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज हीटिंग मैनेजमेंट। जब भी आपको यहाँ पर सपोज आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो बहुत लोगों का दिक्कत क्या है कि वो लोग ना चार्ज को लगा के गेमिंग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चार्ज भी होता रहेगा और मैं गेम भी खेलता रहूँगा। इससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर ओवर चार्ज एट द सेम टाइम जो हीटिंग का जो प्रॉब्लम है अपने आईफोन में देखने को मिलता है ओवर टाइम। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जितना आपका आईफोन हीट होगा ओवर द टाइम उतना जो बैटरी हेल्थ है वो डाउनग्रेड होता है। तो आप जब भी गेमिंग करो या फिर कोई भी टास्क करो जो चार्ज है उसको ऑन मत रखो, आप चार्ज कर लो देन आप गेमिंग या फिर नॉर्मल डे टू डे को लाइफ का जो यूजेज है आईफोन के साथ वो करो। मेरा कहना है कि चार्ज करते हुए आईफोन की यूज़ जो है उसको करना थोड़ा सा लिमिटेड कर दो। तो ये 4-5 अगर आप टिप्स फॉलो करोगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन हम में से आप में से बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ का जो ड्रेनिंग है वो भी यहाँ पर बहुत फास्टर देखने को मिलता है। सो आई होप इन वीडियो के मदद से आपको अभी पता लग गया कि कैसे आप अपने जो आईफोन का जो बैटरी हेल्थ है उसको 100% मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। सो होपफुली वीडियो जो आपको पसंद आए, कोई भी चीज़ जानना हो रिगार्डिंग दी आईफोन या फिर रिगार्डिंग दी एप्पल वॉच रिगार्डिंग दी ऑल दिस टिप्स एंड ट्रिक्स, तो गाइस डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलता हूं तब तक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।